टीना मिली जिसका सबक याद हुआ। तो प्यारे सबक याद हो गया तुम्हें? सबक की बात नहीं है यार, रेखा जिद करती है कि वो गांव में मेरे साथ रह सकती है, लेकिन मुझे इस बात का डर है, वो शहर की है और मेरी जड़ें गांव में है। सोचता हूं ये शादी करूं या नहीं। पागल मत बन। अच्छा राम एक बात बता, तू रेखा से प्यार करता है? हाँ। रेखा तुझसे प्यार करती? बहुत। तो फिर परेशान होने की क्या बात है? रेखा तुझसे प्यार करती है, तू रेखा से प्यार करता है। देख राम, गांव हो या शहर, प्यार तो हर जगह बसता है, और आदमी जब प्यार करता है ना तो हर हालात में अपने आप को ढाल लेता है। शायद तू ठीक कहता है। नहीं सीरियसली मम्मी, मैंने कब कहा शादी के लिए? बेटा शादी के लिए तुम तो नहीं कहोगी, मुझे ही कहना पड़ेगा। अगर तुम खुद कहोगी तो इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। और रेखा, आई एम नॉट सो ऑर्थोडॉक्स, मैं नए जमाने के ख्यालात को जानती भी हूँ, समझती भी हूँ। घर अच्छा था, मैंने कहा तुमसे पूछ लो। देखो रेखा, अगर तुमने किसी लड़के को पसंद कर रखा है तो मुझे बता दे। अभी कोई है तो नहीं, लेकिन वो मामा एक है जो। हाँ हाँ, कौन है वो? वो है ना, कहो बेटी, तुम मुझे सब कुछ कह सकती हो, मैंने तुम पर कभी कोई बंदिश नहीं रखी। बताती हूँ। अरे राम बेटा, कैसे हो? अच्छा हूँ, लेकिन दामू काका आप यहाँ और तुम यहाँ? पाए लागू दामू काका। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बैठिए। थैंक यू। रेखा के साथ पढ़ते हो? जी नहीं, मैं एसआर कॉलेज में पढ़ता हूँ। शिक्षा पूरी करने के बाद क्या करना चाहते हो? शिक्षा तो कभी पूरी होती नहीं। हाँ, डिप्लोमा लेने के बाद एक छोटा सा स्कूल खोलना चाहता हूँ। स्कूल? जी हाँ, अपने गांव में। रेखा इस बारे में जानती है? जानती जरूर है।